वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सुगुरु प्रिंस। बच्चों, आज हम क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी पहली क्लास हम लेते हैं इंट्रोडक्शन का। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम। थ्योरम को हम लेमा भी राइट कर सकते हैं और थ्योरम भी ऐड कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक चीज आप बच्चों जानते हैं, जैसे हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 होता है और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर यहाँ पे होता है, वह रिमाइंडर जो है 0 से या तो ग्रेटर होगा, या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। जो रिमाइंडर होगा वह 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। जो रिमाइंडर होगा वह 0 से 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, और जो डिवाइजर होगा वह रिमाइंडर से बड़ा होगा। जो डिवाइजर होगा वह रिमाइंडर से बड़ा होगा, यही एक थ्योरम होता है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लेमा भी लिखा जाता है और थ्योरम भी राइट किया जाता है। आइए इसका हम एक पहला क्वेश्चन करते हैं और उसमें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और इस क्वेश्चन से आप एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह है क्वेश्चन आपका, जैसे क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड द एसीएफ ऑफ 170 एंड 12। तो एसीएफ फाइंड करने का, एसीएफ का मीन्स ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर इसका, इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे, जो हाईएस्ट होगा वही क्या होता है, इसका एसीएफ होता है। तो दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का। तो 170 का करते हैं, 170 का करेंगे तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 8 या 16, 2 5 या, और 5 से काटेंगे तो 17 आएगा, और 17 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो 2 × 5 × 17 हो गया। उसके बाद अब 12 का फाइंड करना है, तो 12 का हम फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 6 12 और 2 3 6 3 1 3। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी नंबर आते हैं, जो भी इसके फैक्टर आते हैं, सब क्या आते हैं, प्राइम आते हैं। तो अब यहाँ 12 इज इक्वल टू हम राइट करेंगे 2 × 2 × 3, क्या हो गया 2 × 2 × 3। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 2 बन रहा है इसका हाईएस्ट। तो इसका एससीएफ क्या होगा, इसका एससीएफ क्या होगा, इसका एससीएफ 2 होगा, इसका एससीएफ क्या होगा, 2 होगा। अब इसी को हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम के यूज से, इसका एससीएफ फाइंड करेंगे हम। राइट करेंगे इसके लिए, यूज यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 170 एंड 12। अभी हमने बताया था यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम होता क्या है। यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम आपका होता है क्या, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट
प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है रिमाइंडर। अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे जो बड़ा नंबर होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, और ये जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ग्रेटर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ग्रेटर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 170 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या आपका, 12 वन जा 12 आया कितना 50, 12 फोर जा 48 ये आया 2, रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम राइट कैसे करेंगे, यहां पे क्या राइट करेंगे हम, यहां पे हमारा डिविडेंड होगा मींस 170 हो गया, 170 इज इक्वल टू डिवाइजर 12 है आपका इनटू कोसेंट क्या है 14 है, और प्लस यहां क्या आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 है। देखिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम सॉल्व करते चलेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या राइट करेंगे, यहां पे राइट करेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहां पे जो डिवाइजर होता है, यहां पे जो डिवाइजर होता है, यह आपका डिवाइजर जो है, यह डिवाइजर आपका क्या बन जाता है, यह डिवाइजर आपका, डिवाइजर आपका डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाता है। तो यहां जो नंबर है, जो डिवाइजर है, उस डिवाइजर को ही हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 12 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 सिक्स जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 12 इज इक्वल टू आपका है ये 2 इंटू 6 प्लस 0, यहां पे क्या आ गया आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आ गया। इसलिए अब देखिए जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है वही आपका एससीएफ होता है, जो डिवाइजर होता है वही आपका एससीएफ होता है। अब जाके डिवाइजर क्या हो गया, इसके बाद आपका डिवाइजर हो गया 2, डिवाइजर क्या है, इसमें डिवाइजर आपका 2 है, तो एससीएफ इसका क्या होगा, एससीएफ इसका 2 होगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम सॉल्व करते चलते हैं, और यहां पे जो डिवाइजर होता है वह डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर जो होता है वह डिवाइजर बन जाता है। ऐसे सॉल्व करते चलते हैं, जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसके बाद जो, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइजर जो होता है वही हमारा एससीएफ होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे क्वेश्चन पहले आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा रहता है। आप क्वेश्चन को अच्छे बेटर तरीके से पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को, जब आप रीड करते हैं तभी आप 30% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन करने की थिंकिंग क्या है। यहां है आपका सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी इंटीजर्स हैं उस इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वह 2q के फॉर्म में है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है वो 2q+1 के फॉर्म में है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो हम लेंगे इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर इसमें क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8 यही तो होंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यही तो होंगे। अब इसमें क्या करना होगा, इसके बाद यहां पे जो नंबर इसमें फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 वन जा 2, यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया।
अब अगला नंबर क्या है, फोर। फोर को भी हम टू से डिवाइड करेंगे। जब फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और टू से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहां कह रहा है टू क्यू के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, टू क्यू के फॉर्म में है, इसलिए टू से डिवाइड किया जा रहा है। तो टू से इसको डिवाइड करेंगे तो टू टू जा फोर, रिमाइंडर क्या आया जीरो। ऐसे ही हम सिक्स को डिवाइड करेंगे, जब सिक्स को डिवाइड करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स, रिमाइंडर क्या आया जीरो। ऐसे ही एट को डिवाइड करेंगे, जब एट को डिवाइड करेंगे तो टू फोर जा एट, और रिमाइंडर जीरो। अब इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया आपका आपका यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम क्या होता है, यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम आपका होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। अब यहां पे फर्स्ट आप रखेंगे, इसको यहां पुट करेंगे तो यहां पे आपका डिविडेंड क्या है टू, टू इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है टू इंटू कितने टाइम्स ले गए हैं कोसेंट वन टाइम्स, और प्लस जीरो। ऐसे सेकंड राइट करेंगे तो यहां पे क्या होगा फोर, फोर इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं टू इंटू टू प्लस जीरो। सिक्स है आपका, सिक्स को क्या राइट कर सकते हैं टू इंटू थ्री प्लस जीरो, और एट है, एट को क्या राइट कर सकते हैं टू इंटू फोर प्लस एट, यही तो राइट किया गया है टू इंटू फोर प्लस जीरो। अब यहां से क्या निकल के आया आपका, यहां से निकल के आया आपका ये देखिए, ये सब क्या है, ये सब तो आपके क्या है, ये सब आपके इंटीजर है, ये सब क्या है आपके, ये सब तो इंटीजर है। तो आपका ये यहां से आपका बना पॉजिटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर किस फॉर्म में हो गया, टू क्यू के फॉर्म में हो गया, टू क्यू प्लस जीरो के फॉर्म में है, और जीरो का कोई मीन्स नहीं है इसलिए जीरो को रेज कर देंगे। यहां पे क्या हो गया टू क्यू के फॉर्म में, क्योंकि यहां पे देखिए ये सब क्या है, ये सब इंटीजर है, यहां पे राइट किया गया वेयर क्यू इज सम इंटीजर, तो ये सब क्या है इंटीजर है, और किस फॉर्म में है टू क्यू प्लस जीरो के फॉर्म में, तो जीरो राइट नहीं किया जाता है, ये टू क्यू प्लस जीरो के फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या देखेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसको देखते हैं। आइए यहां पे हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, वन होगा, थ्री होगा, फाइव होगा, सेवन होगा, नाइन होगा, यही सब तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। अब जैसे हमने इसमें किया है वैसे इसमें भी करेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें आपका क्या होगा, वन को हम किससे डिवाइड करेंगे टू से डिवाइड करेंगे, जब वन को टू से डिवाइड करेंगे जीरो टाइम्स ले जाएंगे, जब जीरो टाइम्स ले जाते हैं तो कितना आता है टू से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहां टू क्यू के फॉर्म में है, टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में है, इसलिए हम टू से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा जीरो टाइम्स ले जाएंगे जीरो आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा वन आएगा। ऐसे ही हम थ्री को टू से डिवाइड करेंगे, टू वन जा टू हो गया, रिमाइंडर क्या आया वन आया। अब टू से ही हम डिवाइड करेंगे फाइव को, तो टू वन जा या टू टू जा फोर हो गया, रिमाइंडर वन आया। ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे सेवन को, तो टू थ्री जा सिक्स आया, रिमाइंडर वन आया। नाइन को डिवाइड करते हैं तो टू फोर जा एट आया, रिमाइंडर क्या आया वन आया। तो यहां पे भी हम यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम का यूज करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे कि ये जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में है कि नहीं है। यूज करते हैं हम इसका, यूज करते हैं तो यहां क्या राइट करेंगे हम, वन इज इक्वल टू टू इंटू जीरो प्लस वन, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये क्या है, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये कोटिएंट है, कोसेंट है, और ये क्या है रिमाइंडर है। तो ऐसे यहां पे लेंगे ये आपका क्या है, ये डिविडेंट है, तो थ्री इज इक्वल टू टू से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर हो गया, वन टाइम्स ले गए हैं और प्लस वन। ऐसे नेक्स्ट टाइप करेंगे फाइव इज इक्वल टू टू इंटू टू प्लस वन, सेवन को राइट करेंगे टू इंटू थ्री प्लस वन, नाइन को राइट करेंगे टू इंटू फोर प्लस वन, हमने ऐसे राइट कर दिया।
अब यहां से क्या मिला आपको, यहां से आपको मिला पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप देखिए यहां पे ये सब क्या हैं, ये सब आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये सब क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब यहां पे ये तो इंटीजर हो गया, जब इंटीजर हो गया तो किस फॉर्म में चल रहा है, ये सब 2q के फॉर्म में चल रहा है और प्लस 1, तो कैसा हो गया ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में राइट करना है। अगर कोई कहता है ये गलत है तो आप जिस भी शहर से जिस भी सिटी से आप देख रहे हैं वहां पर हम आएंगे, इस उस एग्जामिनर से हम भी पूछेंगे कि हाँ इसमें गलत क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 आर 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां आपका क्या कह रहा है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसको राइट करेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर राइट करते हैं हम, हमारी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है बताइए, 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, ये आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो यहां पे आपको जैसा हमने इस क्वेश्चन के पहले सॉल्व किया था वैसे आपको करना है, क्या करना है, सबको सबको किससे डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि ये 4q के फॉर्म में है इसलिए सभी नंबर को हमको 4 से डिवाइड करना है। जब सबको सब नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 1, तो 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहां क्या आएगा, यहां 0 आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ऐसे ही हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स ले जाएंगे, यहां पे क्या आएगा, 0 आएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 टाइम्स ले जाएंगे तो यहां 4 आएगा और यहां राइट किया रिमाइंडर 1। ऐसे ही हम 7 को डिवाइड करेंगे, जब 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना आया 3। ऐसे ही हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आया, रिमाइंडर कितना आया 1। ऐसे हम 11 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 3। तो यहां से क्या निकला आपका, यहां आप यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम होता क्या है, होता है आपका डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर। अब यहां पे क्या होगा आपका, इसके थ्रू आप वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे दो चीजें आ रही है, आप देखिए रिमाइंडर कहीं कहीं 1 आ रहा है और कहीं कहीं 3 आ रहा है, तो इसको दोनों को हम अलग अलग राइट करेंगे। अलग अलग कैसे राइट करेंगे, यहां पे आपका डिविडेंट क्या है, डिविडेंट आपका 1 है और डिवाइजर क्या है 4 है और कोसेंट क्या है 0 है, रिमाइंडर क्या है 1 है, उसी के अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे। तो यहां पे होगा आपका 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1, और 3 वाले पार्ट को हमने बताया बगल में राइट करेंगे तो यहां क्या होगा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3। अब इसको इसके नीचे राइट करेंगे तो आपका होगा 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, और यहां क्या होगा 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, यहां पे क्या होगा 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, यहां क्या होगा 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3। अब यहां इन दोनों से निकला क्या, यहां इन दोनों से इसका कंक्लूजन क्या निकला उसको आइए राइट करते हैं। इसका कंक्लूजन आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, इसका पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, देखिए ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये आपका ये सब क्या है, ये तो आपके इंटीजर्स हैं
और यहाँ ये सब क्या है, ये भी आपका इंटीजर है, तो ये 4q के फॉर्म में है और प्लस 1, तो क्या बना आपका 4q प्लस 1 के फॉर्म में बन गया। और दूसरा आपका किस फॉर्म में बन रहा है, ये भी तो इंटीजर है, इंटीजर है तो ये किस फॉर्म में बन रहा है, 4q प्लस 3, तो इसको राइट कर सकते हैं हम 4q प्लस 3 के फॉर्म में। और वेयर वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू इज सम इंटीजर। तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चन थे आपको हमने बताया, और इस क्लास को आप अच्छे तरीके से बेटर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जब इसकी अगली क्लास अपलोड की जाएगी, एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज अपलोड किया जाएगा, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और आप इसको, इस वीडियो को कई बार देखिए और पढ़िए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके और बच्चों में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कीजिए, और जितना भी आप हमसे सहयोग हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।